इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 6 फॉर स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा स्टेप नंबर सिक्स है उसका नाम है सिंप्लीफाई एंड ऑप्टिमाइज योर कोड। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई का जो मीनिंग है वो पिछले कुछ स्टेप्स की तरह सेम होगा, फिर भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर अननेसेसरी लाइंस ऑफ कोड को, यानी कि अननेसेसरी जो भी हमारी कोडिंग रहेगी उससे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जिससे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे सिमिलर लाइंस ऑफ कोड रहेंगे उन्हें हम क्या कर देंगे, आपस में जॉइन कर देंगे। जिससे भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइज़ के बारे में तो ऑप्टिमाइज़ का मीनिंग एक चीज़ यह होता है कि हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करना है, ये होता है। दूसरा ये होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए हमने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करे हैं क्या वाकई में उनकी नीड है या नहीं, इस चीज़ का हमें ज़रूर आंसर देना है। साथ ही साथ हमें अपने कोड को इस बात के लिए चेक करना है कि जो हमारा कोड रीडेबल है या नहीं, यानी कि इज़ द कोड रीडेबल, यस और नो। साथ ही साथ क्या हो सकता है, भले ही हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ स्टेप्स को क्या करना पड़ सकता है, रिपीट करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ चेक करेंगे कि हम उन चीज़ को क्या काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं या फिर काफ़ी कम रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें देखना होता है। साथ ही साथ हमें कई बार यह भी देखना होता है कि हमें क्या हमें अपने कोडिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी ऐड करने होंगे ताकि हमारा जो कोड है अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।